आज पहला वीडियो मेरा है BBS का, ठीक है। सर्कुलर कॉलम का BBS कैसे बनेगा, चलिए हम स्टेप बाय स्टेप पहले बताते हैं आपको। सबसे पहले हम देख लेते हैं लेवल क्या है हमारे कॉलम का। तो हमारे कॉलम का जो बॉटम लेवल है वो है 100.00, ठीक है। कॉलम का टॉप लेवल जो है वो है 103.300, यानी दोनों का डिफरेंस जो आया 3.3 मीटर आया, ठीक है। आप क्या करेंगे, BBS फॉर्मेट जो है डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, एक्सेल शीट, उसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। कॉलम रेनफोर्समेंट डिटेल पहले देख लेते हैं। हमारा जो सर्कुलर कॉलम है वो है 600 डाया का, ठीक है। 45 mm का इसमें है क्लियर कवर, ठीक है। अब इसमें रेनफोर्समेंट क्या प्रोवाइड की गई है वो देख लीजिए आप। अप्लीकेबल हाइट जो है ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर का है ये, ठीक है। साइज इसका है 600 डाया का। मेन स्टील है 20 डाया का है 12 नंबर। मेन स्टील लिंक जो प्रोवाइड करनी है जोन वन में करनी है 10 डाया की 100 सेंटर टू सेंटर, और जोन टू में प्रोवाइड करनी है 8 डाया 250 सेंटर टू सेंटर, ठीक है। ये दो का मतलब ये है कि डबल डबल स्टीरअप्स एक जगह पे आएंगी जोन वन में, ठीक है। इसके बाद ग्रेड ऑफ कंक्रीट इसमें M40 है, ठीक है। अब समझ लेते हैं जोन वन और जोन टू है क्या, वो इस सेक्शन में आप समझ सकते हैं, ठीक है। ये कॉलम का सेक्शन है, ये देखिए जोन वन जो है वो फुटिंग के बॉटम से लेके कुछ यहाँ तक है, और फुटिंग के टॉप से लेके और जोन वन के टॉप तक का जो है एल नॉट है। एल नॉट का फार्मूला है, जो एल नॉट हमारा है लगभग 450 mm, उसका फार्मूला है क्लियर हाइट अपन 6, या फिर 450 mm हम ले सकते हैं, ठीक है। तो हम 450 mm मान के चलते हैं, तो 450 एल नॉट हो गया, 500 ये हो गया, 500 और 450, ठीक है। तो ये हो जाएगा 950, ये हो जाएगा हमारा 950, ठीक है, 950 mm हो जाएगा। तो हमारा जोन वन आ गया 950, ठीक है। इसके बाद जोन वन के बाद आता है जोन टू, इतनी हाइट जो है वो है जोन टू की। जोन टू का फार्मूला है क्लियर हाइट अपन 4, अगर आप 3500/4 करेंगे तो समथिंग 450 आएगा। तो हम जोन टू ले लेते हैं 450, मतलब लगभग 2 स्टीरअप्स, 250 की स्पेसिंग पे लगभग 2 स्टीरअप्स बस आएगी जोन टू। उसके बाद फिर से जोन वन आएगा, और जोन वन जो है इसके ऊपर जो आएगा वो आएगा 1500, यानी 1500। तो वो कैसे आएगा, ऊपर वाले सेक्शन में आप देख सकते हैं, बीम के ये ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर का जो बीम का बॉटम लेवल है, बॉटम से लेके एल नॉट है, ठीक है, और बीम के टॉप से एल नॉट है, यानी ये फर्स्ट फ्लोर के स्लैब के ऊपर का सेक्शन है। तो 450 ये हुआ, 450 ये हुआ, 900 और 600 के बीम है, यानी 1500। तो हमारा जोन वन इस सेक्शन में, इस जोन वन ख़त्म हुआ, जोन टू ख़त्म हुआ, यहाँ पे ये जोन टू ख़त्म हो गया, ठीक है। और ऊपर में भी इसके नीचे ये है जोन टू, और इस वाले सेक्शन में जो जोन वन आएगा वो आएगा 1500 लेंथ तक, ठीक है। 1500 के बाद फिर जोन टू टॉप वाले लेवल पे आ जाएगा 450 तक, और उसके बाद बीम बॉटम से 450 से लेके टॉप तक जाएगा जोन वन, यानी टोटल 1500। ये पूरे सेक्शन में आप क्लियरली समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने यहाँ पे लिख दिया। अब टोटल नंबर ऑफ जोन वन में स्टीरअप्स कितना लगेगी वो हम जानेंगे। लेंथ या हाइट जो है वो है 3300, और जोन टू माइनस जोन टू करेंगे तो जोन वन आ जाएगा। तो जोन वन में से हमने जोन वन की हाइट आ गई 2.4, क्योंकि 3300 में से जोन टू जो है 450 बस दो जगह जोन टू आ रहा है, एक ऊपर में आ रहा है और एक नीचे में आ रहा है, ठीक है। ये जोन टू, ये यहाँ पे जोन टू, 900 लेंथ तक बस जोन टू आएगा, उसके बाद 2400 लेंथ तक जोन वन आएगा, ठीक है। अब स्पेसिंग जो है जोन वन का है वो 10 डाया का है, 100 सेंटर सेंटर वो देख सकते हैं आप, ठीक है। और दो बार एक साथ लगेगी का मतलब ये है, ये कॉलम है, इसमें हमने 10 डाया का एक स्टेप लगाया, इसके जस्ट ऊपर एक और स्टेप लगेगा, यानी एक जगह पे दो स्टेप टाई होगा, ठीक है। तो 2.4/0.1 स्पेसिंग से डिवाइड किया और उसमें प्लस वन कर दिया, फार्मूला होता है, ठीक है, प्लस एन करना होता है, वन करना होता है। तो 25 नंबर्स आया इंटू टू, क्योंकि दो दो बार लग रहा है, तो टोटल 50 नंबर्स 10 डाया का लगेगा एक कॉलम में। इसके बाद 250 सेंटर टू सेंटर 8 डाया का जब हम निकाल रहे हैं तो वो आएगा 5 नंबर्स, क्योंकि 900 डिवाइड बाई 250
तो 4 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो 5 नंबर हमने ले लिया, ठीक है। फिर कटिंग लेंथ ऑफ सर्कुलर स्टीरअप्स, अब कटिंग लेंथ निकालना है। सर्कमफ्रेंस ऑफ रिंग फार्मूला होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ रिंग प्लस 2 नंबर ऑफ हुक माइनस 2 नंबर ऑफ 135 डिग्री बेंड, ठीक है। 2 पाई आर, तो 2 पाई आर में हमने यहाँ पे डायरेक्ट रेडियस ले लिया था बिना कवर माइनस किए हुए, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब बात आती है क्लियर कवर कैसे माइनस करेंगे। डाया 600 का है माइनस क्लियर कवर, क्लियर कवर हमने आपको शुरू में दिखाई दिया था कि 45 mm है, तो दो साइड का क्लियर कवर 90 mm माइनस होगा, तो ये हो जाएगा 510 mm डाया, ठीक है। 510 mm डाया का रेडियस निकालने के लिए रेडियस इक्वल टू डाया अपन 2 होता है, तो 255 mm आया, ठीक है। इस फार्मूले में अब हम फिट कर देते हैं, 2 इंटू 3.14 इंटू 0.255, ये हो गया हमारा सर्कमफ्रेंस का, आ गया 1.6 मीटर, ठीक है। सर्कमफ्रेंस ऑफ रिंग मतलब रिंग की लंबाई, ये वाली लेंथ आ गई, ठीक है। अब इसके बाद कटिंग लेंथ हम निकालते हैं, 1.6 सर्कमफ्रेंस आ गया प्लस 2 इंटू 10D, यानी ये हुक का हो गया, 2 इंटू 10D हुक का हो गया, माइनस 2 इंटू 3D, ये हो गया बेंड। 135 डिग्री का जब होता है तो 3D होता है, ये हो गया टेन डाया के लिए, ठीक है। टेन डाया के लिए हमने निकाला कटिंग लेंथ 1.74 और एट डाया के लिए हमने निकाला 1.712, ठीक है, ठीक है। अब बात आती है वर्टिकल बार, वर्टिकल बार की कटिंग लेंथ जो होगी 3300, तो क्लियर हाइट हो गया, ठीक है। उसके बाद 0.426, 0.426 अब प्लस 0.474 कहाँ से आया वो आप देखिए, 3300 हाइट तक हम जब गए कॉलम में, ठीक है, यहाँ तक टोटल ये 3300 यहीं तक होगा, 3300 यहीं तक होगा, ठीक है। इसके बाद हमारा आएगा, ठीक है, इसके बाद हमारा जो आएगा वो आएगा 0.474, ठीक है, 4 टू 6 आएगा, 0.426। अब ये आया कैसे वो आप देखिए, हमारा पीछे वीडियो में आते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो हमारा आ गया 3300 तक हाइट, ठीक है, क्लियर हाइट। इसके बाद इस राफ्ट में जो हमारी स्टील जा रही है, ये स्टील जा रही है सीधी, तो ये लगभग इसका जो फुटिंग का बॉटम है, बॉटम का जो मेस है उसके टॉप तक जाएगी, ठीक है। तो 500 माइनस 1 क्लियर कवर, यानी 50 mm फुटिंग में होता है, 500 माइनस 50 माइनस बॉटम मेस बार, बॉटम मेस बार हमारा ऐसा है, ठीक है, 12 डाया का है, दोनों 12 डाया का है, बाइंडर और मेन बार, तो उसका 24 mm वो हुआ, तो हम माइनस करेंगे 500 माइनस 1 क्लियर कवर माइनस बॉटम मेस, तो आ जाएगा 426, तो ये तो 426 हो गया। अब इसमें एल कितना देना है ये कैसे क्लियर करेंगे, तो हमने दिया 474 mm, वो आता ऐसे है हमारा क्लियर, वो एल डी जो होता है इसके अंदर जो राफ्ट के अंदर एल डेवलपमेंट लेंथ घुस रहा है वो कितना जाएगा, तो वो आएगा 45D, ठीक है। तो 20 × 45 जब करेंगे तो आएगा 900 mm, तो 900 से 400.426 जब हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.474 mm या फिर 0.474 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से आ गया हमारा टोटल कटिंग लेंथ, क्लियर हाइट प्लस 0.426 प्लस 0.474, तो ये आ गया, ठीक है। इसके बाद हम इसमें से माइनस कर देंगे बेंड, बेंड कितना माइनस होगा, एक, क्योंकि बस एक ही बेंड है वो भी 90 डिग्री पे, 2D माइनस हो जाएगा, ठीक है। जब 2D माइनस होगा तो हमारा क्लियर हाइट जो वो कटिंग लेंथ आएगी वो आ जाएगी 0.416, ठीक है। अब चलिए हम BVS में आपको फार्मेट में दिखाते हैं कैसे BVS बनाना है, ठीक है, इन सब डाटा की सहायता से, ठीक है। हाँ तो फ्रेंड्स आप देख लीजिए हमने बनाया हुआ है BVS, ठीक है, कॉलम का, ये है कॉलम का BVS, ठीक है। इसमें देखिए सीरियल नंबर में हमने 1 डाल दिया, ठीक है, बार मार्क 1 दे दिया रोमन में, डाया बार 20 डाया का हमारा वर्टिकल बार है, स्पेसिंग, स्पेसिंग जो वर्टिकल बार की है हटा देते हैं क्योंकि स्पेसिंग तो हमें टोटल 12 डाया डालना है उसमें अपना स्पेसिंग निकाल लेंगे, ठीक है, साइड पे ही कर लेंगे। वर्टिकल बार हमारा शेप जो है इस तरह से है, ठीक है, आपको हमने दिखाया था
ये है 3300, नहीं ये है 3.73 टोटल, ठीक है 3300 प्लस 426, ठीक है 0.426 जो आया था फुटिंग के अंदर जा रहा था। इसके बाद नंबर ऑफ एफडीएन, टोटल 6 कॉलम का हम अभी बीवीएस बना रहे हैं तो 6 हमने डाल दिया। नंबर ऑफ बार 12 बार आ रहा है एक कॉलम में, ठीक है। तो हमारा ए तो कुछ है नहीं, पहला बैंड बीच वाला सीधा हिस्सा 3.73 ये है, ठीक है 0.47 इसमें एल है, ठीक है। नंबर ऑफ बैंड, एक बैंड है कितने का है, बैंड करेक्शन 90 डिग्री है यानी 2D, यानी 20 डाया का है तो 40 mm हमने बैंड करेक्शन किया, तो कटिंग लेंथ 4.16 आ गई। उसमें देखिए हमने फार्मूला क्या लगाया है, सम सम ब्रैकेट I6 सेमीकोलन 9C N6, ठीक है। मतलब जितना भी हमारा स्टीरअप्स में यूज हुआ लेंथ वगैरह बस उतना ही हमने सम किया, यानी इस सेक्शन से लेके ए से लेके एन तक, ठीक है ए से लेके एन तक हमने इसमें ऐड किया। उसके बाद माइनस कर दिया नंबर ऑफ बेंड इनटू बेंड करेक्शन, यानी O6 वन है तो वन इंटू जितना बेंड करेक्शन है उतना, तो आ गया कटिंग लेंथ इतना, ठीक है। इसके बाद हम जाएंगे अब डाया बार इन रनिंग मीटर, रनिंग मीटर में टोटल कितना लेंथ होगी उसमें जाएंगे, तो हम 20 वाले रो में आ गए कॉलम में, ठीक है ये 20 वाला कॉलम है उसमें आए। यहाँ पे आके हमने फार्मूला लगाया G6 इंटू S6 इंटू Q6, ये क्यों लगाया वो देख लीजिए, नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ बार इंटू कटिंग लेंथ, तीनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो टोटल लेंथ आ गई, ठीक है। इसके बाद हमने वेट निकाल दिया, वेट निकालने के लिए V6 मतलब इसको हमने मल्टीप्लाई किया 299.52 इंटू 2.47, मतलब एक मीटर में 2.47 kg आता है 20 डाया में, तो हमने जनरली कर दिया तो आ गया वेट। सेम यही काम इसमें किया, 10 डाया का जो स्टेप्स यूज होना है वो 6 कॉलम के लिए 50, ठीक है 50 बार आ रहा है एक कॉलम में और 6 बार के लिए निकाल रहे हैं, तो बी वाला सेक्शन ए तो कुछ बेंड है नहीं, ठीक है बी वाले में हमने क्या किया 1.6 दे दिया। इसके बाद ई और एफ में हमने हुक लेंथ डाल दी, एक हुक लेंथ का है 10D, ठीक है तो 10 का है तो 100 mm और दूसरे वाले हुक का 100 mm, ठीक है। नंबर ऑफ बेंड 2 है, एक बेंड जो है वो माइनस होगा 3D क्योंकि ये 135 डिग्री पे बेंड हो रहा है, तो 30 mm ये माइनस हुआ। सेम कटिंग लेंथ वही फार्मूला यूज किया, अगर आपको इजी करना है तो इस पर क्लिक करिए, इसे कॉपी करिए और इन सबको जाके पेस्ट कर दीजिए, आपका कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा जो हमने किया, ठीक है। इसके बाद इसका भी टेंडाया का भी हमने सेम वही किया, G7 H7 NT Q7, ये रनिंग मीटर में इसका लेंथ निकाल लिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके और कटिंग लेंथ का, ठीक है। उसके बाद वेट निकाल दिया वैसे ही, S7 × 0.62, एक मीटर में 0.62 kg आता है और जितना लेंथ हमारा आया S7, मतलब देखिए एस वाला कॉलम और सेवन वाले रो में है तो यहाँ पे S7 हो गया इंटू टोटल वेट एक मीटर का, तो ऐसे करके हमने सब निकाला। और उसके बाद टोटल वेट इन केजी में हमने निकाल लिया 1083 kg। इसके निकालने के लिए हमने कुछ नहीं किया, इक्वल टू लगाया, सम का फार्मूला किया एक ब्रैकेट और यहाँ से लेके यहाँ तक हमने स्क्रॉल डाउन किया और मार दिया इंटर, आगे हमारा टोटल वेट, ठीक है। अगर ये इस एक्सेल शीट को आप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए और डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है।